खबर कौसाम्बी से है, जहां पर मूरतगंज एक शादी समारोह में सुमन देवी पत्नी भयालाल निवासी नया बाजार भरवारी को जिस घर में शादी की थी उसी घर वाले बेरहमी से पीटा। और सुमन देवी शादी हो या कोई फंक्शन हो झाड़ू पोछा बर्तन धोने का काम करती है, उस पर 60,000 चोरी का इल्जाम लगाकर उठा ले गए और उसके बाद बेरहमी से दरिंदों की तरह सुमन देवी को पीटा और उसे जबरदस्ती पीट पीट कर पैसा कबूलने के लिए बुरी तरह से पिटाई कर दी और उसके साथ ही बिजली का करंट लगाकर तड़पाया और तमंचा सटाकर जबरदस्ती कबूलाने का काम कर रहे हैं। और इसके साथ ही स्वयं वीडियो बनाकर वायरल भी किया, जबकि सुमन देवी ने किसी भी प्रकार की चोरी नहीं की है, झूठा इल्जाम लगाकर बेरहमी से मारा पीटा है और घसीटा गया है। न्याय की आस लेकर सुमन देवी अपने परिजनों के साथ मंझनपुर मुख्यालय एसपी महोदय को लिखित तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कितनी बेरहमी के साथ महिला के साथ पिटाई की गई। चुप रहो, चार दिन चिल्लाओ नहीं, चलो जोनस हो गया। तो कितनी बेरहमी से पिटाई की गई है महिला की तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं और झूठा इल्जाम लगाया गया महिला पर और इसके साथ ही महिला पर जो चोरी का इल्जाम है उसे बुलाने के लिए उसे करंट भी दिया गया और शादी समारोह में महिला गई थी। और अनिरुद्ध पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध, जिस तरह की ये बेरहमी से पिटाई की जाती है एक महिला की और झूठा आरोप चोरी का लगाया जाता है, क्या कुछ जानकारी है? कि महिला को 1 तारीख से उसका शादी एक मूरतगंज कस्बा में केसरवानी जी के यहाँ थी, वहाँ पे 1 तारीख से 5 तारीख तक अपने घर में चूल्हा बर्तन और झाड़ू लगाने के काम के लिए रखे थे। उसके बाद अचानक उसके घर को दोपहर कुछ 5 तारीख को उसके घर के 2 लड़के पहुंचे और जबरदस्ती अपने घर ले गए, वहां चोरी कबूल कराने की 8,000 थी का इल्जाम लगाए। महिला ने चोरी नहीं कबूल किया, उसके बाद उसको पीटे, करंट का 60 दिए, जब इससे भी दिल नहीं भरा उसके बाद उसको मारते पीटते थाने ले गए, थाने में उसको जबरन कबूल कराया गया, उसके बाद से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अनिरुद्ध, यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि जितनी बेरहमी के साथ महिला के साथ पिटाई हुई है, करंट का 100 भी दिया गया है, तो जो आरोपी है उनको उन पर कोई कार्रवाई की गई है अभी तक? अभी तक अधिकारियों से फोनिंग पे बात हुई है मेरी कि बाइट के लिए, अधिकारी ने कहा कि अभी जांच की जा रही है, वीडियो कहाँ का है किसका है उसके बाद कुछ कहना होगा संभव। तो पूरी जानकारी देने के लिए अनिरुद्ध आपका शुक्रिया। तो यहाँ पर कौसाम्बी से आपको खबर बता रहे हैं, तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं एक शादी समारोह में महिला गई थी जिसकी बेरहमी से पिटाई की गई।